यहाँ पे हम लोग प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं। क्या हुआ सुफियान? बहुत पसीने आ रहे डर के। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, स्वागत है आप सभी का नियान की नोक जोक भरी छोटी सी दुनिया में। तो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे इतने अंधेरे में वीडियो क्यों ले रहे हैं हम लोग। जैसे कि आप लोग कल वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि हम लोग सुबह सुबह जल्दी निकलने वाले कहीं जाने के लिए, हम लोग जा रहे हैं दूध सागर। तो उसके लिए हम लोगों को इतनी जल्दी जल्दी सुबह उठना पड़ा क्योंकि हमारी बस है बाहर वेट कर रही है और हम लोग अभी आ गए नीचे लोग को उठाने के लिए। चलो ये लोग भी आ गए फाइनली, नींद में चलते बाहर एकदम। सो गाइस सीन इतना बुरा हो गया, हम लोगों को जाना था आज प्राइवेट गाड़ी में, हमारे खुद की गाड़ी में थार में, जो हम लोगों को घूमने का था, बट नहीं जा पा रहे क्योंकि दूध सागर में जो है वहाँ पे टिकट्स जल्दी नहीं मिलती है। सुबह सुबह जाके लाइन लगानी पड़ती है 6-6 बजे वहाँ पर, तब जाके लोगों को टिकट्स मिलती, वरना वो भी नहीं मिलती है, पता नहीं क्यों। क्योंकि लिए यहाँ के जो ट्रैवल एजेंट्स जो रहते हैं, जिन लोग यहाँ से मतलब बस करके जो लेके जाते हैं, वो लोग इतने सारे लोगों का क्वांटिटी में टिकट्स बुक करते हैं, टिकट्स सोल्ड आउट हो जाती है ऑलरेडी। और ऐसा भी स्कीम होता है, इन लोगों को भी हमने बोले कि टिकट्स आप बुक कर लो, तो वो लोग बोले कि हम लोग नहीं करेंगे, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा, बिकॉज ऑब्वियसली इन लोग को पैसे, 2 पैसे ज्यादा मिलते हैं ना ट्रैवलिंग के, मतलब हम लोग के साथ, मतलब पिकअप के साथ लेने के लिए। और हम लोगों ने बैग नहीं ला पाए वहाँ पे, तो हम लोग थैलियों में लेके जा रहे सामान हमारा। ये देखो एक बैग इधर, एक बैग मैंने पकड़ा हूँ, क्योंकि वहाँ पे हमें नहाना है वाटरफॉल में, उसके लिए एक्स्ट्रा कपड़े, एक्स्ट्रा जूते, एक्स्ट्रा टॉवल, इसका मेकअप, क्या बताएंगे बोलो। आ गई हमारी बस, ये लो कांगे गिर गई, जगह मिल गई क्या? तो हम लोग अभी बस में बैठ गए, और कहाँ हमारे अरमान थे थार में जाने के, अभी भर के बस में जा रहे बोलो। थार में जाने वाले थे, थार के अरमान थार में रह गए, देखो ना हाथ हो गई है। तो आधे घंटे से बैठने की कोशिश कर रहा हूँ, इतनी छोटी छोटी सीट बनाते हैं लोग। अनीता मेरे लायक की सीट बनाने बोलो यार, मेरा चश्मा भी ले लिया एक तो। ये सो गाइस यहाँ पे ग्रुपिज्म हो गया है, एक जीप में 7 लोग जाते हैं और हम लोग हैं 4, अब 3 लोग हमें ढूंढने पड़ेंगे, लोगों को 3 अंकल मिलने वाले। यहाँ पे अपना अपना सबने ग्रुप बना लिया, हम अकेले रह गए यहाँ पर। पहुँच गए हम लोग, कहाँ पहुँचने गए? जंगल कैफे। हाँ जंगल कैफे में आ गए, यहाँ पे हम लोगों ने नाश्ता मंगाया, ब्रेड ऑमलेट और ये सैंडविच। कितने दिनों बाद खाने का ब्रेड ऑमलेट फिर से हमें। चलो फटाफट खाते, भी सफारी पे निकलना है। यस जल्दी जल्दी गाइस, यहाँ पे सब चलेगा, हम लोग 4 को छोड़ दिए, सब चलेगा, ये लोग हम लोगों को क्यों छोड़ दिया, कोई भी नहीं है। सच सच बताओ अपने ग्रुप में कौन बढ़ू, अपना नंबर ही नहीं है। आखिरकार हमारा नंबर आ ही गया गाइस, और हमारे लाइफ जैकेट भी आ गए यहाँ पर। चलो गाइस फटाफट यार, इतना लेट कर रहे हो तुम लोग। चलो गाइस ऑफ रोडिंग चालू हो गई है हमारी। अरे कहाँ से जाएंगे? तारों के बीच। अच्छा यहाँ से जाएंगे क्या? सपना पूरा हो गया ना, थार में चीता, ऑफ रोडिंग करना है थार में, जो हैरियर में चीता सोफा। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर ऑफ रोडिंग कर रहे हैं और गाड़ी हिले ही जा रही है, हिले ही जा रही है, हिले ही जा रही है, समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना, क्या रास्ते। झरने का पानी आ गया, ये तो तुम गाड़ी में बैठे थे कि चल गया है। देखो ना मेरे वाइट जूते भी एक तो नीचे, सब काला पीला होने वाला, अभी लगने वाले मेरे। तुमको बहुत जरूरत है नहाने की। मैं तो अभी नहाऊंगा। सो गाइस इसकी दाढ़ी, इसके बाल पूरे लाल लाल मिट्टी से कवर हो गए, मैं अभी डुबकी लगाऊंगा पानी में और पूरा साफ व्हाइट हो जाऊंगा अभी। yes. तो गाइस अभी दूध सागर की पार्किंग में पहुंच गए, अब यहाँ से 10 मिनट की और वॉकिंग है तो वाटरफॉल तक, और हमारे पास सिर्फ 1.5 घंटा है, 1.5 घंटे में हमको जाना है, नहाना है और ऑफिस भी आना है। 1.5 मतलब 1.5। ओह माय गॉड, यस। आर यू सीरियस? नो आई एम नॉट सीरियस, गेट आउट। हा हा हा, क्या रास्ता है निधा। और निधा मुझे बोल रही थी कि तुम चप्पल पहन के चलो, जूता मत पहनो, ऐसे रास्ते पे चप्पल पहन के तुमको पसीना नहीं आता ना, मेरे को पैर में पसीना आता है। क्या, क्या जगह दिख रही, लेकिन वो छोड़ो झगड़ा मत करो, जगह देखो क्या दिख रही है। हाँ 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 हाँ। तो यहाँ है चेंजिंग रूम और ये है वॉशरूम्स, और यहाँ मिसबा और महमूदा लड़ रहे हैं किसके लिए, चड्डे के लिए। मिसबा भी पूरी लाल लाल हो गई है ब्रो, मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट है चलना, चेंजिंग रूम में दरवाजा ही नहीं। अरे बाप रे, नो अदर ऑप्शन, गोइंग इन द वॉशरूम। सो गाइस हम लोग रेडी हो चुके हैं, हमारे लाइफ जैकेट वगैरह पहन के, और वाटरफॉल अभी तक आ ही नहीं रहा है, और निधा तो इतने एक्साइटेड है कि भागे जा रही है। कहाँ जा रहे हो? अरे मैं पहुंच जाऊंगी। अरे हद हो गई तुम्हारी तो। सेम पिंच,
नो डबल पी। ये देखो बच्चे बच्चे सब है तुम्हारे जैसे। ओहो गाइस जस्ट लुक एट द व्यू, ये देखो ऊपर से पानी आ रहा है। अच्छा लग रहा है यार, बहुत अच्छा लग रहा है। अगर जा सकते कि जा सकते अंदर? कहाँ पे? पानी में जा सकते, तभी तो लाइफ जैकेट पहना है अपने को, जा सकते। लेट्स गो। ये देखो खतरों के खिलाड़ी बन रहे लोग। आ उतरो। अरे 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 आ गई, आ गई, आ गई, जैसे तैसे आ गई। आ जाओ, क्या बात है, क्या बात है, शाबाश। तो गाइस यहाँ पे बंदर बहुत है, तो हम लोगों को अपना सामान रखना है, सामान रखने की जगह ही नहीं है, तो हम लोग एक बैग में सब बैग को बांध के ये झाड़ से बांध देंगे। चलो अभी कूदते सीधा पानी में, देख लो सब कैसा नहा रहे यहाँ पर यार, कैसा नहा रहे। हाँ वही बोल रहा हूँ, सीधा चल पड़ी है पानी के लिए। यू कैन डू इट, शाबाश। हाँ मालूम है काई है, ऐसे हम लोग को पता ही नहीं था। ठंडा है क्या? अच्छा है, गर्मी में ठंडा पानी। आओ आओ संभालो स्लीपर ही। तो गाइस अब मन कर रहा है झटके से कूद जाए पानी में, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा ठंडा है। बहुत ठंडा है ना, है ना, कूद जाता है। और इसमें नीचे हो ना जल्दी, आओ महमूद भाई। ओह शिट। सो गाइस मैं अभी फाइनल जंप मारने जा रहा हूँ, मैं फाइनल जंप मारने जा रहा हूँ। अबे डूब रहा हूँ मैं, पहन नहीं रहा था डीप में। लुकियान दज्जाल परी, क्या हो गया? डीप है तेरा, तो डीप पानी में रहा है। स्नॉर्कलिंग यही तो था। हाँ स्नॉर्कलिंग यही था, इसकी वजह से हमने तो ना तुम्हारे। आजा आजा, क्या हो रहा, क्या हो रहा। अबे बहुत डीप है यार, नीदा फट रही है मेरी तो। अच्छा जाएंगे तो अंदर तक जा जाओ। अरे ब्रो मजा आएगी, चलो। और महमूद भाई आते हुए, हाँ क्या बात है, क्या बात है, जाओ 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 जाओ। हाँ फ्लोट करोगे, डरो मत डरो मत। हाँ हाँ फ्लोट करोगे, तैर डर के आ गया, तैर डर के आ गया। हाँ थोड़ा आ गया, हाथ लो हाथ लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मस्त है ना, मस्त है ना, वहाँ बहुत डीप है ना। महमूद भाई कितना डीप है? बहुत डीप है भाई, बहुत मजा आ रही है। तो गाइस पानी बहुत डीप है, मैं पूरा फ्लोट कर रहा हूँ नीचे। आ जाओ गाइस, अरे कुछ नहीं है, ये देखो मैं फ्लोट कर रहा हूँ नीचे, कुछ नहीं है मालूम। चिल रहो चिल रहो चिल 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 रहो। हाँ हुआ ना फ्लोट, ए आ जाओ आ जाओ, फ्लोट कर रहे आ जाओ। तो अभी निदा आ रही है, जल्दी आओ आओ, कुछ नहीं आओ आओ, कुछ नहीं आओ। अरे कुछ नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ, मैं मेरे को आती क्या स्विमिंग। अरे गोद में तो ले रहा हूँ, लड़ाई चल रही है। हाँ दोनों एक साथ चलो, अभी मिस्बा भी आ रही है। ओ डुबकी लगाओ, डुबकी लगाओ। हाँ कुछ नहीं आराम, चिल चिल, एक दूसरे को पकड़ो मत, पकड़ो मत, एक दूसरे को पकड़ो मत, छोड़ दो चिल। हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे कोई टेंशन नहीं, आ जाओ। फ्लोट कर रहे हो? भाई कर रहे हो ना भाई, बस एकदम चिल रहो, कुछ मत करो, हिलो डिलो मत जरा भी। वो निदा कैसा कर रही है? वेरी गुड निदा, निदा उछलो मत ज्यादा। तो गाइस हम लोग अभी झरने के पास आ गए हैं, ये देखो झरना। निदा कहाँ जा रहे हो अकेले अकेले? हाँ कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। अरे हाँ हाँ वहाँ चलो वहाँ चलो, बात होगा चलो। तो गाइस अभी मैं सोच रहा हूँ कि हम लोग ट्राइपॉड रख दे। अबे अबे नीचे पत्थर है, नीचे जमीन है। मजा आ रही है, बहुत मजा आ रही है। और मिस्बा महमूद को तेरी कहा चले गए लोग वहीं पे कोने में, और सुफियान जा रहे हैं झरने के पास। ओ जाओ पीछे जाओ। तो गाइस हम लोग को तैरने नहीं आता है, हम लोग पता नहीं आगे जा ही नहीं पा रहे यार। हमें आगे जाना है, नहीं हो रहा, मेरे हाथ में घोपड़ लगा है तो मैं स्विम नहीं कर पा रहा हूँ। Oh, my God.
सो गाइस, हम लोगों का जो दूध सागर का ट्रिप था वो पूरा हो गया और हम लोग आने में यहाँ पे लेट हो गए। लोग ऐसा मुंह छुपा के बैठे रिटर्निंग की तरह, मेरा मुंह पूरा लाल लाल होने वाला है। तभी कुछ कवर करने के लिए देखना पड़ेगा। 200 रुपया फाइन भी, 200 रुपया फाइन भी भरना पड़ा हम लोगों को यहाँ पर। लेट फाइन। मैंने अपने टी शर्ट को DIY करके बनाई हूँ अपना फेस कवर, और इसको देखो। सुखेन चश्मा पहन लो, ऊपर से चश्मा पहनो, ऊपर से। ओ हो, आई एम द वन। भूत लग रहा है। कार में भी सफारी थी, जंगल सफारी करते करते हम लोग सफर करते जंगल में, बताओ क्या। जंगल सफारी नहीं हुई, हमारा सफर हो गया हो। बहुत सफर करना पड़ा। देखो इसको, देखो एकदम चोर दिख रही है, देखो एकदम डाकू। नहीं मैं डाकू समझो, तुमको अगवा कर लेगी। चलो गाइस अभी थोड़ा खाना खाएंगे, क्योंकि बाहर बुफे लगा हुआ है, हम लोगों ने जो बुकिंग किए थे। काश हम लोग थार लेके आते यहाँ पर यार, कितनी मजा आती थी। हम अपने टाइम से जाते थे। हाँ यार, हमें उल्लू बना दिया गया गाइस। मिल जाती थी टिकट, हम लोग को बोला गया कि यहाँ पर बस से ही जाना पड़ेगा, प्राइवेट गाड़ी से जाओगे तो वहाँ पर टिकट नहीं मिलती है, बहुत लाइन लगानी पड़ती। बट जब हम लोग यहाँ पर आए तो बहुत खाली था यहाँ पर, और फॉरेनर सारे निकले। फॉरेनर अपना अपना प्राइवेट करके आए, सारा सबसे ज्यादा सारे फॉरेनर रहते हैं। हर साल हर महीना उन लोग का यहाँ पे, वो लोग हर कंट्री में घूमते और हर कंट्री में वो लोग अपना फायदा करवाते हैं, साला अपनी धूर बन जाते। तो अभी हम लोग बुफे खाने आ गए, देखो मस्त सब अपनी फ्री का प्लेट भर ली। निदा शर्म आ रही तुमको? नहीं नहीं आ रही, तो खाओ फिर। चलो फ्री का प्लेट, पागल कैसे मैंने। क्या टैलेंट है निदा, चलती बस में तुमने पूरा मेकअप कर लिया यार। तो गाइस हम लोग अभी घर पहुंचने वाले, घर पहुंचते ही हमको निकलना है दूसरी जगह के लिए, जो कि बहुत स्पेशल जगह है। दिनी दौर मैंने एक दूसरे ने डिसाइड करके किए है कि हम जाएंगे वहां पर, तो आप लोगों को दिखाएंगे कि वहां पे क्या होने वाला है। सो गाइस हम लोग अपने रूम पे पहुंच गए, और यहां से फटाक से खाली जूता चेंज करेंगे और यहां से बाइक पे निकलेंगे। 20 किलोमीटर दूर जाना है और हम लोग ऑलरेडी लेट है। अगर वहां पे हम लोग टाइम पे नहीं पहुंचे तो हमारा 11,000 रुपए का नुकसान हो जाएगा यार, कसम से बता रहा हूं। मैं ये वाला पहनने वाला हूं और नीता ये बूट्स पहनने वाली है। तो चलो गाइस फटाफट रेडी हो जाते हैं। तो गाइस हम लोग रेडी होके बस निकल रहे थे, और हम लोग जैसे ही निकलने की बारी आई तो घर पे से रूम में से बाइक की चाबी खो गई। वाओ सुफियान, वो तो अच्छा हो महमूद भाई भी साथ में, तो महमूद भाई की बाइक लेके निकलना पड़ रहा है। सीरियसली यार, क्या बोले, ऐसे टाइम पे ऐसा होता ही है। और जिस टाइम अपने को किधर जाना होता है ना, स्पेसिफिकली टाइम पे पहुंचना होता है, और वो टाइम पे तो होता ही होता है। सो गाइस पहुंच गए हम लोग अपनी लोकेशन पे जहाँ हम जा रहे हैं। तो गाइस बहुत दिनों बाद हम लोग बाइक पे इतना लंबा ट्रेवल किया, और कैसा रास्ता था नीता, हालत खराब हो गई, मेरे बाल तो एकदम स्पाइक हो गए यार। और मेरे बाल एकदम कड़क देखो ना। और अभी हम लोग आए हैं ग्रैंड हयात। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है फ्लाइट डाइनिंग, मतलब जो आप लोगों ने दुबई में देखा था कि ऊपर जाके हवा में खाना खाते, तो वैसा हम लोग यहाँ करने जा रहे हैं। तो बहुत ज्यादा यहाँ पे टाइम पे नहीं आते तो बहुत ही बड़ा फटका पड़ जाता है, 11,000 रुपए का नुकसान हो जाता है हम लोग का टाइम पे नहीं आते। अल्लाह का शुक्र है टाइम पे आ गए, बाकी की चीजें मैं आप लोगों को आगे बताता हूँ, ठीक है। आ गए हम लोग फ्लाइट डाइनिंग की तरफ। सो गाइस अभी हम लोग आधा घंटा जल्दी आ गए तुम्हारे वजह से। मैं तुमको बोल रही थी कि प्लीज ड्राइव स्लो, ड्राइव तो बहुत जल्दी पहुंच जाएंगे ना, मेरी पंचर, मुझे टाइम पे पहुंचना बहुत पसंद है। बाकी यहाँ के एम्बियंस ना बहुत अच्छा लग रहा है, बट से सो गाइज उन्होंने हमें इतने बड़े ग्रैंड हयात में छोड़ दिया अकेले, बोले जाओ घूमो जो करना है करो, अभी तुम लोग के पास आधा घंटा और है। yes. वो फ्लाइट डाइनिंग के लिए, और फ्लाइट डाइनिंग होने वाली है वहाँ पे, जो कि बहुत दूर है, यहाँ से चल के आना पड़ेगा। तो निदा बोलती चलो यार जंगल में घूमते। निदा ये जंगल नहीं है, निदा जंगल में घूमते मतलब मैं बोली फोटो वोटो ले लेते थोड़ा। अंधेरे में कौन सी फोटो आएगी तुम्हारी, आएगी क्यों नहीं आएगी, लाइट में इसकी फोटो नहीं आती, अंधेरे में आएगी। वाह वाह वाह, फोटो आवे यार क्या ब्यूटीफुल लग रहा है, तो अच्छा रहा है। फोटो नहीं आएगी, इतने रात में डिटेलिंग दिखेगी नहीं कुछ भी तुमको। सो गाइस यहाँ पे पानी है, और हमारा क्रेन है वहाँ पे, तो जब हम लोग ऊपर जाएंगे तो वहाँ से पूरा ये पानी का व्यू आएगा, पूरा ये ग्रैंड हयात का व्यू आएगा, पूरा थोड़ा सिटी का व्यू आएगा, मतलब 160 फीट हम लोग ऊपर जाने वाले हैं और ऊपर खाना खाएंगे। और मैं अगर ऊपर से खाना गिर गया मेरे से, तो किसी के सर पे गिरा तो गाइस सॉरी, मैं पहले से बताना चाहता हूँ आप लोगों को, पहले से बताना चाहता हूँ पागल। गाइस एक चीज तो मैं आप लोगों को बताना भूल ही गया, कि यहाँ पे चिकन हलाल नहीं है, मटन भी हलाल नहीं, कुछ भी हलाल नहीं है। तो हम लोगों ने वेज खाना के लिए बोलो किया, 11,000 रुपए हम लोगों ने वेज खाने के लिए दिए। बोलो क्या करेंगे, बट एक्सपीरियंस करना था हमें, चाहे वो एक्सपीरियंस बैड हो या अच्छा हो, तो ऊपर जाने के बाद ही मालूम पड़ेगा कैसा लगने वाला है। देखो क्रेन है मारी निदा, ये देखो ये रही क्रेन, देखी इतनी बड़ी, ये अपने को ऊपर लेके जाएगी 160 फीट ऊपर, इट्स गोइंग टू बी अमेजिंग। चलो तुम पापा की परी ना, तुमको तोड़ने आता है ना। मैं सुफियान की परी हूँ।
ये रही अपनी सीट्स बैठने की, क्या मजा आने वाली ऊपर जाके खाना खाने यार, बहुत मजा आएगी। और यहाँ पे वेटिंग एरिया है गाइस, वेटिंग करने हम लोग, कोई भी नहीं आया, अकेले दिख रहे नहीं था यहाँ पर तो यार। और हम लोग को बोल रही थी वो कि आ जाना जल्दी टाइम पे, हर जगह इसी होता है, हम लोग हर जगह पहले पहुँच जाते, कोई आता ही नहीं आता, पंचुअल रहना बहुत जरूरी है बेटा। एंट्री का टाइम आ गया फाइनली, बट सैड न्यूज है कि वहाँ गाना बज रहा है, मुझे नहीं लगता कि वहाँ पे हम व्लॉगिंग कर पाएंगे, बट करना तो है गाइस, ऊपर का व्यू दिखाना है आप लोगों को। चलो एंट्री हो गई है। सो अभी सुफियान गेटिंग रेडी, कहाँ से पैर वैर में से आ रहा तुम, मेरे को जैसे दग दग हो रहा है। तुमको तो ऐसा लग रहा है मम्मी की तरह रैप कर रहे हो सुफियान। और भाई खाना खाने के बाद पेट बढ़ गया तो फिर बेल्ट। सो गाइस ये हमारे शेफ है वहाँ पे, लूज है क्या ये? नहीं इतना ही रहता रे, पगली गिरोगे थोड़ी तुम। मेरे को हम लोग जा रहे हैं ऊपर, ऊपर जा रहे हैं हम लोग। पहले मेरे को अच्छा लग रहा था, अभी थोड़ी पटली हो गई। क्या हुआ सुफियान? बहुत पसीने आ रहे डर के। मजा आ रही ना? पर मजा हिलो मत, हिलो मत। मैं पीछे का व्यू ले रही हूँ आराम से, चलो पागल व्यू के चक्कर में अपना व्यू खत्म नहीं हो जाएगा। तो अभी ये घूम रहा है, अभी पूरा 360 व्यू, इसका अलग ही चल रहा है अपना। तो भाई सबसे पहला ये कुछ आया प्याज, क्या है? फ्रूट है, फ्रूट। नॉन वेजिटेरियन लड़का जब वेज खाता है तब क्या देख रहे हो? मटन। कोई नहीं भाजी खाओ। गाइज हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा ग्रैंड हयात के फ्लाइट डाइनिंग का, बट अच्छा वो एक्सपीरियंस अच्छा था, बट खाना यू नो गाइज मतलब इतना पैसा दिया हम लोगों ने तो खाना हमको खाली 3 ही डिश मिली, वो भी वेज जो मैं खाता नहीं हूँ। और स्टार्टर में क्या था बताओ जरा? स्टार्टर में था हरा भरा कबाब, वो भी हरा भरा था कि नहीं था पता नहीं। स्टार्टर के बाद डायरेक्टली मेन कोर्स था, वो भी पुलाव, वेज पुलाव। हाँ देखो ना यार गाइस, हमसे कम कुछ अच्छा दिए होते यार। इट इज जस्ट लाइक खाने का पैसा नहीं, यहाँ पे एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस का हम लोग एक्सपीरियंस के लिए आए थे। जो हम लोग आंखों से व्यू देख रहे थे ना गाइस, हार दिख रहे थे, सब बिल्डिंग्स दिख रही थी, ग्रैंड हयात दिख रहा था। इंस्टाग्राम पे जरूर जाना और लाइक। और गाइस वो लोगों ने हमारे लिए स्पेशल केक लाए थे, हम यहाँ पे आए थे तो उन्होंने हमें स्पेशल केक दिया, सो थैंक यू सो मच। और ये भी दिया हमें फॉर वैलेंटाइंस डे, और सुफियान की वजह से, सुफियान ने भी मुझे गिफ्ट दिया है, पैर पे मार दिया है। इधर मैंने नहीं मारा ये यार, ये चलती फिरती है ना ठोकर की दुकान है, कसम से बता रहा हूँ। हर बार कुछ ना कुछ करके मेरा नाम आता है बीच में, इसकी वजह से वो ऐसी। अरे मैं क्या करता हूँ भाई बताओ मेरे को जरा। चलो अभी फटफट निकलते, जरा जाते हैं वहाँ पर, सब वेट कर रहे हैं अपना। और हमेशा की तरह निदा को ऐसे टाइम पे पी आती है जहाँ पे कोई चांसेस नहीं हो वॉशरूम के। निदा इतनी बड़ी होटल में तुम खाली यहाँ से वहाँ घुमवा रहे हो पी के चक्कर में, तुम्हारी पी आई है। और एक तो कोई दिख भी नहीं रहा, किससे पूछने का, कोई बैठा भी नहीं है, सन्नाटा सन्नाटा है पूरा अंधेरा। मिस बैंड मम्मा को हम लोगों ने उठा दिए, सो रहे थे वो लोग बेचारे, उठा के फिर हम लोग थोड़ा मस्ती मजा किए, थोड़ा राउंड मारे और खाना वाना लेके आए लड़की लोग। और महमूद भाई ने कुछ किए थे मिसबा के लिए, वो आप लोग देख लेना मिसबा मम्मा के व्लॉग में। और अभी हम लोग जरा खाना खाते और हम लोग पापड़ खा रहे हैं, और पापड़ ठूस रही है, खा नहीं रही है ये, तो इसको भी ठुसा रही है। 11,000 रुपए डालने के बाद भी ये लड़का दाल चावल खा रहा है। क्या आदमी हो रे तुम, जो मजा इसमें ना पेट भरने में, कैसा खाते हो? नहीं था क्या? अरे भाई खाने लायक नहीं था। ये वाला वेज चलेगा इनको, बट इसके साथ भी चिकन चाहिए देखो इनको। सो गाइस आज का दिन बहुत लंबा रहा हमारा, और हम लोग घर पे आ भी गए, और आप लोग ये पसारे देख रहे हो, ये जितने भी पसारे हैं ये सब अभी हम लोगों को साफ करना है, क्योंकि हम लोगों को सुबह निकलना है 11 बजे, और हम लोग ये फ्लाइट है कल रात में 1 बजे, तो पूरा दिन हम लोग बिना होटल के रस्ते पे सोने वाले गाइस। हम लोग बहुत ही लंबा दिन कल का भी होने वाला है। आई होप आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा हो, और हमें भी एक्सपीरियंस जो मिला आज दोनों जगहों का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। तो गाइस चलो व्लॉग एंड करते हैं, इधर बोल दो एक बार तुम्हारा थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सॉरी फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। और अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, और हिट द बेल आइकन। अल्लाह हाफिज, लव यू।